यहाँ पर रूम दिखा रही हैं। अच्छा, खाली कर देंगे, ये हॉल है, इधर भी खिड़की है, लाइट हवा सब आएगा, इधर भी दोनों साइड से खिड़की, लाइट कट गया तो फिर दिक्कत भी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का बज रहा 8 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज जल्दी हम लोग रेडियो को कहीं जा रहे हैं, जिसके लिए देखिए इधर बेबी को तैयार कर रहे हैं। ऐसे रेडी कर दिए थे, सिर्फ बाबू का पैंट पहनाना बाकी रह गया था, तो हम बोले बाबू को पहना दीजिए। और उधर बड़ा वाला बेटा भी रेडी हो गया, उसका वही पसंद है शर्ट, वो शर्ट चेंज ही नहीं कर रहा है ना जी। दूसरा कपड़ा हम लोग पहनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो है कि वो पहन ही नहीं रहा है। क्या किया जाए, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, सुनी ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। आज आप सब बताइएगा हमको ना, क्योंकि इनसे हम मांगते हैं ना, तो ये जल्दी हमको देते नहीं हैं। और ये जब पैसे जरूरत पड़ता है ना, कहीं जाना होता अचानक से, तो बोलते रूबी दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। तो सोचिए ऐसे कमाया हुआ इन्हीं का है, उधारी उधारी तो उधारी। अब ऐसे भी हम पर्स में चेक ही कर रहे थे, भैया भी जाएगा, भैया भी जाएगा। अच्छा, ये अपना देख रहा है ड्रेस। अच्छा, और इसको हाफ पहना है, लेकिन इसको हाफ पहना है, इसको फुल पहना है, इसीलिए देख रहा है। ओ, तो अभी से जलना शुरू हो गया है? नहीं, मतलब इसको लग रहा है कि मम्मी ऐसा क्यों कर, मतलब क्यों की है। और अभी पूजा पाठ भी हमारा हो चुका है, इधर देखिए। तो अभी चलते हैं, इस बटुए में हमारा है मनी, जो कि इनको देना है, जोरी है, दे देते हैं बेचारा। ऐसे देने का तो मन नहीं था, क्योंकि हमेशा ना हमको मिलता है तो हम ज्यादा खर्चा नहीं करते। आप सभी जानते हैं कि हम बहुत कंजूस हैं, हमको पैसा ना खर्चा करना बहुत मोह लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं ना। तो हम लोग क्या, इनफैक्ट मतलब जितना जो हम, मतलब हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली देख रही है ना, वो लोग में से कुछ ऐसे होंगे जिनको पैसे बहुत मेहनत से मिलते होंगे, और कुछ लोग तो पैसे एकदम बरसाते होंगे। खैर छोड़िए, सबका अपना अपना नसीब किस्मत है। देखिए एकदम पूरा छीन लिए, मात्र मेरे पास इतना सा बचा हुआ है। रहने तो हमारे पास, हमारा बजट कभी कभी पूरी तरह से हिल जाता है। कुछ लोग हमको कमेंट कर रहे थे कि आजकल रूबी ज्यादा पैसा मतलब फेंक रही है, ज्यादा इसको कमा ली है। तो ऐसा नहीं है, पैसा कभी कोई ज्यादा कम नहीं कमाता है, हाँ जरूरत के अनुसार कमा ही लेता है। तो चलिए पानी का बोतल ले लिए ना, काफी ज्यादा लेट हो रहा है, निकलो। पानी का बोतल, पानी बोतल अभी तो था यहाँ पर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमें आना था तैयार होकर। और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं ना, क्योंकि हमें रूम देखनी थी। और ये देखो बाबू, क्या हुआ, चलिए इधर रूबी पहले ही आ गए हैं, देखते हैं किधर क्या रूम है, चलिए फिर देखते हैं। हाँ, बाबू सो गया गाड़ी में, इनको बहुत जल्दी नींद आता है ना। तो अच्छा, यहाँ पर रूम दिखा रही हैं, ये वाला रूम है। अच्छा, हाँ, ये रूम है, इसको अच्छा खाली कर देंगे, ये हॉल है, पार्किंग है, अच्छा गाड़ी भी लगा सकते हैं। अच्छा, स्पेस मतलब काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेस अच्छा है ना। हाँ, यहाँ पर आराम से गाड़ी भी रख सकते हैं, रख सकते हैं, गेट बंद करके बच्चा लोग खेल सकते हैं। एक मौका पर कभी मान लेते मतलब कुछ ऐसे हम लोग मेहमान भी आ गए तो आराम से बैठ सकते हैं, इस टाइप का हो जाएगा। इधर लैटरिन बाथरूम, अच्छा इधर बाथरूम हो गया, फिर इधर सीढ़ी हो गया। देखिए रूबी, आपको क्या कैसा लगता है, आप अपना देख लो। बस अभी डिसाइड नहीं किए, बस एक बार मिले थे, इनसे बातचीत हुई थी, तो पता चला कि रूम खाली है इनका, तो सोचे कि चलिए मिल ही लेते, देख लेते और क्या रीज़न है, वो सब तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तुम देख रहे हैं, बस आप सजेस्ट कीजिएगा कि शायद अच्छा मिल जाए रूम हम लोग को, बहुत कोशिश किए हैं इसके लिए हम लोग। तो पहले रूम देख लेते हैं कैसा रूम है, रहने लायक है कि नहीं। ऐसे भी हम लोग को छोटा फैमिली है ना, तो छोटा ही रूम अगर मिल जाए तो बढ़िया है, ज़्यादा बड़ा रूम की हमको आवश्यकता भी नहीं है। देखिए रूम, आइए, ये रूम है, ये सब हम ना खाली कर देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप, इनको देखिए, जहाँ जाना है आने के बाद स्विच को ऑन ऑफ करना है। बेटा स्लीपर खोल के ना बेटू, और आप स्लीपर पहन के चढ़ गए, गंदा बात, खोल दो, डांटेंगे। हाँ, और इधर रहा खिड़की ना। हाँ, इधर भी खिड़की है, लाइट हवा सब आएगा, इधर भी दोनों साइड से खिड़की, लाइट कट गया तो फिर दिक्कत भी नहीं है। चलता तो मस्त यार, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं, इस टाइप को नहीं है। और पिछली बार से तो अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा पैक था, और यहाँ पे खुला हवादार भी है, और हम लोग ऐसे भी खुला चाहिए, तो खुला के लिए बहुत अच्छा जगह यहाँ पे है ऐसा लग रहा है हमको। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा डिसाइड, बाकी हर चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से मस्त है तो सुंदर है।
पता नहीं कॉस्ट क्या पड़ेगा, वो तो देखते हैं बात करने के बाद आपको ही बताएंगे। जच जाए तो बहुत अच्छा है, और अभी देखते हैं, फिर भी नहीं कुछ कह सकते हैं तो सिंगल रूम में फिर गैस तो ऊपर ये सेकंड फ्लोर भी दोतल्ला है कि नहीं? आधा में बना हुआ है, सीट लगा हुआ है, ऊपर भी एक रेंट है। अच्छा, एक किचन एक रूम ली हुई है और अच्छा। एक रूम में हम लोग सारा सामान रखे हैं, तो ऊपर साथ देख लेते कहीं ना ऐसा अच्छा रहता तो कहीं। हाँ। आप जाइए और का चलो अभी देखो, चलो आ जाओ देखने में क्या दिक्कत है रूम। चलिए ऊपर देखते हुए बैठाइए। सबसे बेहतर है यहाँ पर पार्किंग का एरिया बहुत अच्छा है, एकदम बहुत बहुत चलिए अच्छा ही। ये सीढ़ी है, अभी रेलिंग नहीं लगाए है। अच्छा कोई बात दिक्कत नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा। बाबू आइए रितवी को ऊपर चलिए, देखिए छत कितना उसको पसंद है, देखिए दौड़े आ रहा है। बाबू को पकड़िए, नहीं गिरेगा लेकिन फिर भी हम लोग जो ऊपर रेलिंग है ना तो उनको बोल दिए कि हमेशा छत को ना बंद करके रखिएगा क्योंकि ये सीढ़ी में रेलिंग नहीं है। हां इसी की वजह से हमेशा बंद करके रखती हूं। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बस वहाँ ऊपर का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, है ना? हाँ ऊपर में अच्छा है, और कितना सुनहरा यहाँ पर हवा लग रहा है ना, मस्त मत पूछिए, एकदम मस्त हवा चल रहा है। अब ऐसे भी डूबो देखिए, चल गए बाहर घुलकने के लिए, उनको तो छत तो काफ़ी बैठते हैं शाम को सुबह में टहलने लगता है, बारिश होने वाली है ना, थोड़ा बूंदा आ रहा है पानी का। पेड़ पौधा कुछ लगाए हैं, गमला कुछ लगाए हैं, इस पर टमाटर लगाए हैं, टमाटर मिर्चा सब लगा दीजिएगा तो फलेगा अच्छा। करेला लगाए, कितना अच्छा दिमाग लगाया बताइए। तो क्या करेंगे, अच्छा है। तो यही ऊपर में है जो कि खाली नहीं है ना? नहीं ऊपर खाली नहीं है, यही तो दिक्कत है। ऊपर मिल जाता तो और अच्छा रहता क्या, लेकिन ऊपर में कर्कट का फील अच्छा सामना करना नहीं, फिर भी गर्मी नहीं लगता अंदर। ये दूसरा कर्कट है ना, ये नहीं लगेगा ऐसा, नहीं ऊंचा है ना, ये ऊंचा है। वो को यहाँ आते ही मन लग गया, और ये बाहर का व्यू देखे जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, यहाँ रहिएगा, उसको बहुत मजा आ रहा है, वो तो सोचता है मौसम एकदम खराब है और ऐसे में हम लोग नहीं आएगा कि पूरा नहीं। देखिए लग तो रहा है बारिश होने का, तो लग रहा है संभावना। कंबल सारा कंबल धोए बड़ा अच्छा, लेकिन यहाँ का व्यू है ना बहुत मस्त अच्छा है। चलिए तो कोई बात नहीं, आप सही बताइए कि क्या हम लोग जो डिसीजन लिए वो सही है कि नहीं? नहीं यहाँ पर तुम लोग देखना था ही, देखना था हम लोग को, आज ना कल तो देखना ही था हम लोग को। दोस्तों घर आते ही पता चल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा तेज हवा चला था, जिसके वजह से सारे कपड़े हमारे गिर गए थे सूखने के बाद, तो सारे कपड़े भी उठा कर ना अंदर रख दिए हैं, और पानी जो है अभी भी गिर रहा है टिपका टिपकी, और लगा कि हम लोग कहीं बीच में रास्ता में फंस जाए, क्योंकि ऐसा उम्मीद लगा था पूरा बारिश हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमारा पन्नी जो है ना यहाँ से फिर से टूट गया, इस खम्भा से रस्सी जो है ना निकल गया है, जो फिर से हमको रिपेयर करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा हवा चली होगी। गाड़ी पर ना चिकू को सोने का आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, और आते ही पूरा सोए हुए हैं, कभी खाई और इधर डुगू साहब को लगी थी भूख, मतलब इनका तो खाना खाना ही नहीं, चावल नहीं खाए, तो इनके लिए समोसा ले दिए हैं, समोसा खाएंगे अभी। और वहाँ गए थे तो बहुत टाइम उम लग गया, वो लोग भी बनाते थे, यूट्यूब लगे पूछने उछने बताने लगे उन लोग को, हो गई लेट, हम लोग खाना भी नहीं बनाते, सुबह में नाश्ता बनाए थे, नाश्ता नहीं रात का ही नाश्ता बचा था, हम लोग करके निकल गए थे ना। लीजिए एक पीस खाइए फिर देंगे और, ठीक? तो अभी जा रहे हैं फटाफट से, हम खाना रेडी करते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे अच्छे से बात करेंगे कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, कभी ना कभी तो लेना ही था हम लोग को। तो कपड़ा ला के इसी रख दिए हैं सब, अभी जा रहे हैं पहले मोल लेते हैं फटाख से। चमक रहा था पानी तो बस आज बहुत ज़्यादा तेज, कितना टाइम हो गया जी? बहुत ज़्यादा लेट हो गया दोस्तों, क्या कीजिएगा, हम लोग को आते आते ही लेट हो गया ना, तो ये देखो 2 बजने को है 2 बज ही चुके हैं अभी, काम बढ़ जाता है तई तई लेकर, थोड़ा सा सिर्फ बाहर गए हैं कितना काम हो गया। आवाज धुकड़ इतना चल रहा था ना, वहाँ पूरा धुकड़ा आ गया, मेरा मुंह एकदम अजीब हो गया। आते ही भिड़ गए खाना की तैयारियों में, तो ये देखो मटर भी निकल रहा है, लगी है जोरों की भूख, मटर आलू बनाएंगे क्या करेंगे, तो वही ना सब्जी ले आते तो नहीं होता, सब्जी तो जाकर ले आइएगा, तो लेटेस्ट ले जाइएगा। हाँ ले जाएंगे, तो आप तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, सुबह ना मिलेगा, देखते हैं, नहीं मिल जाएगा फिर से। अब मटर ना अभी के सीजन में कम मिलता है, इसके वजह से थोड़ा मोड़ा एक दो अथी निकल रहा है, कीड़ा भी निकल रहा है ना,
मेरा बेटा हमको दिया था ना, तो मेरा गुल्लू भी निकालता है। और ये आ गए डुगू निकालने के लिए मटर, इनको बहुत शौक करता है मटर निकालने के लिए, दे दो। और वो क्या निकाले तो उसे भिंडी, मतलब कोई चीज हो निकालने के लिए अगर दे दिया जाए इनको ना, तो आराम से बैठ के निकालते हैं, एक एक दाना निकाल निकाल कर रखेंगे। हेल्प करने वाला मेरा बेटा आ गया। कितना पसंद आता है मटर निकाल रखने में क्या? हाँ खाना नहीं है, खाना तो सिर्फ आलू भिंडी वो भी ही है। रुबी आज कुकर में खाना बना रही है, मतलब कि सब्जी। ये देखो कौन सा इनका स्टाइल है नया, क्या क्या दिमाग लगाते रहते हैं। ये देखिए ये कौन सा स्टाइल है, लोहिया नहीं था आज मूड किया कुकर में ही बनाने के लिए। पहले भी कुकर में ही बनाते थे, अभी मूड किया कुकर में। फटाए सब्जी कुकर में बना लेंगे, सब्जी पलट देंगे, फिर चावल चढ़ा देंगे, हो जाएगा। कुकर दिमाग में आसान होता है। हाँ आसानी होता है, सही बात है। इसको लगा लो ढक्कन और सीधे सब्जी हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम मस्त दिख रहा है। हमारी कोशिश रहती है हमेशा अच्छा खाना बनाने की, पर पता नहीं हस्बैंड जी लोग को पसंद ही नहीं पड़ता तो क्या करें। हम कभी इनका खाना को नकारे हैं, कभी नहीं बोले खराब बनाती, बहुत अच्छा बनाते हैं। बस इसको बनाइए, उतारिए, खिलाइए, हो गया। बस थोड़ा सा पानी है नीचे। और हाँ दोस्तों, आप सबने देखा कि हम लोग रूम वगैरह देखने गए थे, और फाइनल डिसीजन तो लेना पड़ता है कभी ना कभी, ये तो लेना ही पड़ेगा। क्या रीज़न था क्या नहीं था वो तो कभी आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। फिलहाल आप इतना सोचिए कि बस आप सब आशीर्वाद दीजिए, दुआ कीजिए कि हमने जो सोचा है वो हमारा जो डिसीजन है क्या सही है या फिर गलत, या फिर घर वालों को बता देना चाहिए नहीं पता, या फिर हमने ससुराल में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह का मायने बहुत क्वेश्चन चल रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, डिसीजन ना लेकर भी लेना पड़ जाता है, तो बस वही रीज़न है अचानक से चले गए हम लोग। ऐसे भी इस घर में हम लोग कितना दिन तक रहेंगे, चलो कुछ दिन के मेहमान थे और जब तक रह रहे थे तब तक रह रहे थे। और ऐसे भी जहाँ रूम देखने गए ना, वहाँ पर बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ के घर के लोग का परिवार का जो बिहेवियर अच्छा था। प्लस में क्या है कि रूम भी जितना है वहाँ आगे बरामदा खाली खेलने के लिए बेबी लोग के लिए हो जाएगा, ऊपर में भी खेल सकता है, इस तरह का है। तो खैर ऐसे भी ये घर आए जगह में छोड़ना ही था, तो इसलिए उतना अफसोस भी नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ बता दें कि जहाँ आदमी रहता है ना, वहाँ पर अपना एक जो है ना घर बन जाता है। सही बात है। और यहाँ पर हम लोग के यहाँ दिल लग गया है खेती बाड़ी में काम करो, तो बाहर यहाँ पर जो कुछ है इस तरह के, वैसा कुछ खास रीजन नहीं है, बट बहुत जल्द पता चल जाएगा आप सबको क्यों हम लोग ये घर खाली कर रहे हैं। खैर छोड़िए, लेकिन यहाँ वाला जो आनंद है सब जगह नहीं मिल पाएगा, इतना पता है। क्योंकि आप हम रम गए थे और इसके साथ में सब जगह बिहेवियर जो है उस टाइम बन गया था हम लोग का, जो कि मन लग रहा था। नया जगह पर थोड़ा सा समय लगता है जमाने में अपना मतलब स्टेप में, लेकिन फिर भी किस तरह से मैनेज करना होगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर जो नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्यारा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।